नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक इमोशनल स्टोरी, मेरा पनाहगार। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आ करके बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आ करके उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी भी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, इस पर संकट आया है, तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया
जहाँ मैं रहा, पला बढ़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आ करके बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप हम ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा, हमसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप और हम किसी के सुख का साथी बने या न बने, लेकिन आपको हमको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल परी की बेबो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही अच्छी और इमोशनल